कुत्ते कैप्सूल से नजर आ रहे होंगे आपको, आप देखियो। जय पुल भैया, जय ते भैया पुल बने, जो कच्चा पुल कह में कहें। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण भैया। आज के ब्लॉग में आप सबन को भैया बहुत बहुत स्वागत है। भैया आज हम दर्शन करेंगे देवरिया घाट के, देवरिया बाबा के मंदिर के। और भैया मैं आपको बता दूं, और आज हम कुंभ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और भैया रजरानी के दिव्य दर्शन करेंगे। क्योंकि भैया कल तो हमने टटिया स्थान तक दर्शन करे, लेकिन आज हम अंदर कुछ यमुना महारानी जी के दिव्य दर्शन करेंगे, देखेंगे कि पुल बनना है क्या ना बनना। यदि आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सको। तो भैया हम चलेंगे आज समय देवरिया बाबा के दर्शन करवे को, देवरिया बाबा के मंदिर की तरफ, देवरिया बाबा के घाट पर, और वहां हम दर्शन करेंगे। भैया मौसम या समय मैं बता दूं, वृंदावन का मौसम बहुत ही अच्छा ना है, क्योंकि भैया गर्मी बहुत है। अभी दो दिन तो इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है रही है यहाँ समय सबसे ज़्यादा। लेकिन अभी शाम को समय है तो मैंने सोची आपको दर्शन कराए दूँ। तो आप देख सको भैया, जो जो आपको जो स्थान नज़र आ रहे हो है, जिस स्थान है भैया कुंभ क्षेत्र, या स्थान पे कुंभ लगा होता है भैया वृंदावन में, तो जी भैया कुंभ क्षेत्र है। और यही कुंभ क्षेत्र से होते हुए हम पहुंचेंगे भैया आओ देवरिया बाबा के घाट पे। जब आप कब वृंदावन आओ तो देवरिया घाट पे दर्शन करियो, और आप बाबा के दर्शन जरूर से जरूर करियो। बहुत बड़े दिव्य संत थे, और आप देख ही पा रहे हो भैया यह समय हरो 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 है रखो है भैया, हरियाली छाई रही है। क्योंकि दो दिन लगातार बारिश हुई थी भैया वृंदावन में, तो थोड़े से मौसम में परिवर्तन आया है भैया, ज़्यादा ना है, लेकिन हाँ भैया गर्मी तो है। भैया आज गए जब बाढ़ आई का ही, कितना पानी हो आज गए, पानी पानी हो। अब देखियो कितना अच्छा दृश्य के दर्शन है रहे हैं। जय हमारा वृंदावन है भैया, आप देख ही पा रहे होंगे भैया, देखो घोड़ा घूम रहे हैं, और हरी भरी जगह नजर आ रही होगी आपको। देखो आप देख ही पा रहे हो, और हम आए को चलेंगे ना, एक और दर्शन करेंगे, बाकी बाद में हम आगे घाट पर चलेंगे भैया। हाँ तो भैया हम आ गए देवरिया बाबा के मंदिर के सामने। जो आपको जो दिख रहा है जो बाबा का मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। जब आप वृंदावन आओ तो भैया श्री जमुना मैया के दिव्य दर्शन करियो, और आगे में जाके या पार करके भैया आप बाबा के दर्शन के काजे जरूर से जरूर जाइयो, और बाबा को आशीर्वाद लियो। देखो भैया आपको नज़र आ रहे होगा, आपको सुनाई दे रहे होगा पक्षी की कलरव, पक्षी के भैया चहचाने की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है। जे बाबा के मंदिर में ही है भैया, बहुत ही दिव्य मंदिर, आप दर्शन कर सको। और जो जे आपको नज़र आ रहे हैं जे भैया ढोल वाले पुल कह कर है याकु, तो अभी तो भैया जी पुल या समय बनो ना है जी, अभी किनारे पे ही धरो हुए है। तो क्योंकि या समय आपको पता है कि अभी कछु दिन पहले बाढ़ आई थी, तो भैया कितना पानी हो आपको पता है, तो या मारे जी हटा के धर दियो तो। लेकिन अभी आप देख पा रहे हो ये कछु दिन बाद शायद जे पुल बन जाए, तो जब पुल बन जाएगा तो तब तो आपको भैया सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि आप पुल पे तो होते ही भैया होके भैया आप बाबा के दर्शन को आप जा सको। लेकिन यदि आप आओगे कल परसों में या फिर जब वृंदावन, तो आपको बता दूं आप भैया नाव में जाके बाबा के दर्शन कर सको। तो अब हम भैया आए को चलेंगे और दर्शन करेंगे। भैया जय पुल है, देखो आप कैप्सूल से नजर आ रहे होंगे आपको,
आप देखियो जय पुल भैया, जय ते भैया पुल बने, जो कच्चा पुल कह मैं कहा जय है पुल भैया। जी देख लो भैया कैप्सूल से नजर आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे दवाई के कैप्सूल हुए क्या है वैसे ही, जय ते कह के ना भैया ढोल वाला पुल। भैया हम बाबा के दर्शन कर लिए, अब नए के कुंभ क्षेत्र में अंदर की तरफ में चलने। देखियो भैया कितना सुंदर लग रहे हो, आप देख पा रहे हो कितने सुंदर भैया नजारा देखने को मिल रहा है आपको। आप देख पा रहे हो पेड़ पौधा हरा हरियाली छाई हुई है भैया चारों तरफ में, हरा हरा आप देख पा रहे हो और कितना सुंदर लग रहा है भैया। जय कुंभ क्षेत्र है भैया, जय में कुंभ लगे हो तो भैया बहुत ही दिव्य कुंभ लगा भैया, शायद आप लोग दर्शन किए हो, बहुत ही आनंद आया जब बात समय कुंभ लगा भैया, बहुत ही दिव्य दर्शन हते, संत महात्मा आए हते भैया। और देखिए भैया आप देख पा रहे बहुत ही दिव्य दर्शन है रहे हैं भैया और बहुत शांति है। आप आओ तो भैया जाज के जमुना मैया के दर्शन करो, बाबा के दर्शन करके और यहाँ आराम से श्री जी की और अपने लाल जी की लीलाओं का भैया स्मरण करो, बहुत बहुत ही शांति है यहाँ क्षेत्र में। और अब हम भैया आये को लेके चलूंगा और आगे वो आपको दर्शन कराऊंगा। आप देख ही पा रहे होंगे भैया कि कितनी शांति है, एकदम बहुत शांति है भैया। देख पा रहे हो कितना कच्चो है, रज के दर्शन कर लियो भैया, रज रानी के दिव्य दर्शन कर लियो। और आप देख पा रहे हो पेड़ पौधे भैया, पेड़ लग रहे हरे हरे है रहे भैया, जिस आनंद भैया जहाँ समय कुंभ क्षेत्र में है, आपको कुंभ क्षेत्र में रजरानी के दिव्य दर्शन है जाएंगे भैया। आप जरूर से जरूर या क्षेत्र के जरूर से जरूर दर्शन करियो और रजरानी के वो दिव्य दर्शन आप करियो भैया।